नमस्कार दोस्तों, मैं संजय बग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हरियाणा की जनता को जिस घड़ी का इंतजार था वो बिल्कुल नजदीक आ गई है, यानी कि हरियाणा का विधानसभा चुनाव अब लगभग 12 घंटे भी बाकी नहीं बचे। अगले 12 घंटे में हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनाव के लिए मतदान शुरू हो जाएगा। इस अंतिम दिन में, यानी कि जिसे अंतिम दिन और जिस रात को कत्ल की रात कहा जाता है, तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी तमाम गतिविधियां तेज कर दी हैं, और इसके साथ साथ गतिविधियां तेज कर दी हैं उन लोगों ने जो राजनीति के अंदर, यानी कि किसको कितना, किसको कितनी सीटें, किसका क्या, इसको लेकर जो सट्टा लगाया करते हैं। हालांकि सट्टा किसी भी तरह से वाजिब नहीं माना जा सकता। जो सट्टे का खेल है या जो गैम्बलिंग माना जाता है, एक अपराध है और इसको किसी दिशा में ठीक नहीं माना जाता। लेकिन अगर आप बात करें, आज मेरे पास तमाम दिन भर में जितने भी फोन आए, लोग कह रहे थे कि आपको पता होगा कि सट्टा बाजार में कहां क्या रेट चल रहा है जी। लोग पूछ रहे थे कौन सी सीट के लिए, किसके लिए, कौन से सट्टा बाजार में, यानी कि अगर आप बात करते हैं तो कहीं फलौदी का सट्टा बाजार आता है, कहीं भिवानी का सट्टा बाजार आता है, तमाम नाम चलते हैं। इसके अलावा जो लोकल लेवल पर काम करने वाले जो लोग होते हैं, जिनका ये शौक होता है या पेशा होता है, वो भी लगे हुए होते हैं और बात ये चलती है कि कहां क्या हो रहा है। और अगर आप कहें तो आज तमाम फोन जो घनघनाते रहे लोगों के, जितना पसीना राजनेता बहा रहे थे, यानी कि चुनाव प्रचार का जो समय खत्म हो चुका और अब मैन टू मैन और पर्सन टू पर्सन, डोर टू डोर दस्तक दे करके अपनों को समझाना, मनाना, रिझाना अगर कहीं कसर रह गई हो, तो दूसरी तरफ तमाम सट्टा बाजार से जुड़े हुए लोग, तमाम बड़े पत्रकारों को, तमाम सोशल मीडिया से जुड़े लोगों को, तमाम इसके साथ साथ जो लोग राजनीति में रुचि रखते हैं उनको, उन सबसे पूछताछ करके, बातचीत करके जानने की कोशिश कर रहे थे कि हिसाब क्या बन रहा है जिसके हिसाब से आगे रेट खोले जाएं, यानी कि सीटों की केमिस्ट्री ऐसी बढ़ा रहे थे जिससे उनका मैथमेटिक्स ठीक हो जाए। आप देखें तो आज तमाम बाजारों के अंदर सीटों को लेकर के कि किस पार्टी को कितनी सीट मिल सकती है, कोई कांग्रेस को फेवरेट बता रहा था तो कोई भारतीय जनता पार्टी के लिए बोल रहा था कि इतनी यस और इतनी नॉट, कोई मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सीट पर कह रहा था कि ये फंस गई है, तो कोई फिर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जो बड़े दिग्गज नेता हैं उनकी विधानसभा सीटें जिन पर वो चुनाव लड़ रहे हैं वहां का भाव पूछ रहा था कि नेताजी का भाव क्या है, यानी कि सट्टे की मंडी में नेताजी भी बिठा दिए गए। और आप माने तो इस सबके साथ साथ तमाम उन लोगों का जो राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं, जिनको ये जानने की जिज्ञासा होती है कि प्रदेश में क्या हो रहा है, चाहे वो फिर सामान्य नागरिक हो और चाहे फिर वो नौकरी पेशा हो, किसान हो, मजदूर हो, और या फिर बड़े पदों पर बैठे हुए अधिकारी, सब में जानने की जिज्ञासा यही थी कि कहां क्या चल रहा है और क्या हो सकता है। तो हम आपको बताते चले कि हरियाणा का जो माहौल बना हुआ है, जिस प्रकार का हरियाणा का माहौल नजर आ रहा है, उसने चुनाव को रोचक बना दिया है। हरियाणा के चुनावी माहौल ने, मैंने आपको बताया अभी वीडियो के अंदर पहले भी, कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सीट को लेकर की बात चल रही है, हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष की सीट को लेकर बात चल रही है, जो हरियाणा के तमाम मंत्री जो चुनाव लड़ रहे हैं, जिनको घर बिठा दिया गया वो तो घर बैठ गए, बनवारी लाल जी घर बिठा दिए गए, सीमा त्रिखा घर बिठा दी गई और कई मंत्री घर बिठा दिए गए, लेकिन जो चुनाव मैदान में है, चाहे वो मूलचंद शर्मा है, मूलचंद शर्मा के बारे में सबकी जिज्ञासा जानने की है कि आखिर शारदा राठौर कैसी टक्कर दे रही है दादा को। अगर बात आई बावल की, तो जहां बनवारी लाल घर तो बैठ गए, लेकिन इंटरेस्ट जानने का सबका है, इंटरेस्ट जानने का सबका है कि कौन से डॉक्टर ज्यादा मजबूत है, पीएचडी वाले डॉक्टर या एमबीबीएस वाले डॉक्टर। अगर बात चली तो फिर लोहारू में जरूर पूछा गया कि वित्त मंत्री साहब का अपना खजाना कैसा चल रहा है वोटों का। जेपी दलाल के बारे में सबकी नजर है कि फरेटिया जेपी दलाल का कहीं आर्थिक समीकरण जो वोटों वाला होता है वो बिगाड़ तो नहीं रहे। मतलब हरियाणा की तमाम सीटें, चाहे वो भव्य बिश्नोई की सीट है, अगर आप कहें तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सीट पर तो किसी को कोई इफेक्ट बट है नहीं, कोई किनोई पर बात करने के लिए आपको तैयार नहीं मिलेगा कि वहां भी कोई चल रहा है, वहां भी कोई मुकाबला है। इसके अलावा तमाम नेता, चाहे अभय सिंह चौटाला है, एलनाबाद को लेकर के सब में चर्चा थी कि एलनाबाद में भरत सिंह बेनीवाल कैसी टक्कर दे रहे हैं अभय सिंह चौटाला को। एक तरफ भले ही अभय सिंह चौटाला दावा कर रहे हो कि सिरसा के अंदर गोपाल कांडा से सेटिंग होने के बाद में, यानी कि जो
सेटिंग हुई है पॉलिटिकल, उनका जो समझौता हुआ है उसके बाद में भले ही अभय सिंह चौटाला आश्वस्त हो, लेकिन जो सट्टा बाजार है और जो राजनीति में रुचि रखने वाले लोग हैं उनकी नजर में बहुत बड़ी जिज्ञासा है, उनको बहुत बड़ी जिज्ञासा थी जानने की कि इलाहाबाद में क्या है। चौधरी भजनलाल का परिवार, कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई को लेकर के बड़ी चर्चाएं हैं कि भव्य बिश्नोई की कश्ती डूब रही है और या फिर एक बार वो चौधरी भजनलाल के नाम को फिर से पार कर देंगे। जो चौधरी भजनलाल के दूसरे बेटे चंद्रमोहन बिश्नोई जो चुनाव लड़ रहे हैं पंचकुला में, ज्ञानचंद गुप्ता जी के सामने मैंने आपसे कहा था कि विधानसभा अध्यक्ष की सीट को लेकर सब में जिज्ञासा है जानने की क्या हो रहा है। मतलब ये तमाम जो सीटें बड़ी हैं और इन तमाम सीटों के आधार पर तमाम बड़े नेताओं के जो चुनाव मैदान में हैं या फिर वो नेता जिनके परिवार के लोग हैं, खासकर राव इंद्रजीत सिंह जिनकी बेटी अटेली से आरती राव चुनाव मैदान में है, सब जानना चाहते हैं कि आखिर कंवल सिंह उनको कितनी बड़ी सशक्त टक्कर दे रहे हैं, अनिता यादव कैसी चुनौती दे रही हैं आरती राव को, इस पर भी नजर है। नजर उन पर भी रही लोगों की पड़ताल करने में कि कृष्ण पाल गुर्जर संसदीय क्षेत्र जो उनका फरीदाबाद है उन 9 विधानसभा सीटों पर कृष्ण पाल गुर्जर जी कहां कितना पसीना कैसे कैसे बहा रहे हैं। अगर बात चली तो फिर मनोहर लाल का जिक्र जरूर होगा। हरियाणा के तमाम राजनीतिक क्षेत्रों में एक बात चलती है, जब बात आती है कि भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ डाउन है तो कहीं ना कहीं ठीकरा मनोहर लाल के सर पर फूटता है। कहीं ना कहीं जब बात आ जाती है कि किसकी वजह से, तो कहते हैं मनोहर लाल ने, खैर चुनाव हो जाएगा कल और शाम को हम भी आपको बताएंगे कि हरियाणा का जो मूड ऑफ वोटर्स क्या रहा। हम आपको बताएंगे एग्जिट पोल हरियाणा का कि हरियाणा के अंदर कितनी सीटें किसको मिल रही हैं। लेकिन आज आपको जरूर बता दूं कि दिग्गज फंसे हुए हैं हरियाणा के अंदर, दिग्गज फंसे हुए हैं। एक भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अगर छोड़ दिया जाए तो तमाम दिग्गज जितने भी चुनाव मैदान में हैं, चाहे वो भाजपा के हैं नायब सिंह सैनी से लेकर के और हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता से लेकर के और तमाम वजीर मंत्रियों तक, चाहे फिर वो भजनलाल के बेटे चंद्रमोहन बिश्नोई और भव्य बिश्नोई होते, और चाहे उसके बाद में खुद अभय सिंह चौटाला और दुष्यंत चौटाला साहब का, तो कहें क्या, उछाना में उनकी अग्नि परीक्षा है, उछाना में उनकी अग्नि परीक्षा है। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि तमाम दिग्गज फंसे हुए हैं। आपको क्या लगता है कि हरियाणा का समीकरण कैसा बैठेगा, हरियाणा का राजनीतिक ऊंट कौन सी करवट लेने जा रहा है, और आपको क्या लगता है कि हरियाणा के अंदर कंफर्टेबल कौन सी पार्टी अपनी सरकार बनाने जा रही है, कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर बताएं। कल हमारे साथ शाम को जरूर जुड़ें 6 बजे, जब आपको बताएंगे हम हरियाणा का एग्जिट पोल। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के यूट्यूब चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।